खबर की ओर। जैसे डायनासोर नाम का जीव इस धरती से लुप्त हो गया था, वैसे ही 10 साल बाद कांग्रेस भी पूरे देश से लुप्त हो जाएगी। 10 साल बाद जब आप किसी बच्चे से कांग्रेस के बारे में पूछेंगे तो उसको कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ये कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। दरअसल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फरीदाबाद लोकसभा पहुंचे, जहां उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस मौके पर शोले गांव पहुंचे राजनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनसभा सम्मिलित हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर, जेवर से विधायक धीरेन्द्र प्रताप पृथला से विधायक नैनपाल रावत, पलवल से विधायक दीपक मंगला सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 वर्षों तक वह प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, बहुमत की सरकार होने के बावजूद, हमारा भारत 2014 में 10 वर्षों के बाद भी 11वें स्थान पर ही खड़ा रहा। लेकिन जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जब बने, तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी, 8 वर्षों के अंदर ही हमारा यह भारत दुनिया के देशों में जो धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों जंप लेकर वह 5वें स्थान पर आज पहुंच गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत सारे विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा, 2027 यानी आज के 2.5-3 साल के बाद ही भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के 3 देश